दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि अगर पृथ्वी के बाद किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की कल्पना की जा सकती है तो और कोई नहीं सिर्फ और सिर्फ मंगल ग्रह ही है, जिसे आज हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो वैसे कैसे हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन हो। सालों तक किए गए अध्ययनों से हमें ये पता चला है कि मंगल ग्रह अपने शुरुआती दिनों में काफी हद तक हमारे पृथ्वी ग्रह की तरह ही था। मंगल ग्रह पर भेजे गए इंसानी मशीनों ने हमें ये बताया कि आज से कई बिलियनों साल पहले इस ग्रह पर लिक्विड वाटर की नदियां और कई विशाल झील मौजूद थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस ग्रह पर कभी जीवन मौजूद था या नहीं। कुछ वैज्ञानिकों का तो मानना यह है कि मंगल ग्रह पर अभी भी लाइफ इसके सरफेस के नीचे मौजूद हो सकता है। वहीं कुछ का तो मानना यह है कि मंगल ग्रह पर कभी भी जीवन मौजूद ही नहीं था। मंगल ग्रह पर जीवन होने की ऐसी कई संभावनाएं मौजूद है जो कि काफी ही रोचक और अद्भुत है। ऐसे में चलिए हमारे साथ मंगल ग्रह की एक रोमांचक सफर में, जहां हम जानेंगे मंगल ग्रह पर जीवन होने की ऐसी पांच संभावनाएं के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना यह जरूरी है कि जब हम मंगल ग्रह पर किसी प्रकार की लाइफ की बात करते हैं तब हम किसी प्रकार की जीव या कॉम्प्लेक्स लाइफ की नहीं बल्कि माइक्रोब्स और सिंगल सेल लाइफ की बात करते हैं। भले ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म धरती पर मौजूद लाइफ के मुकाबले कुछ भी नहीं है, पर अगर हम धरती के अलावा किसी और ग्रह पर सिंगल सेल लाइफ की भी खोज कर ले तो यह एक बेहद ही क्रांतिकारी खोज मानी जाएगी, जिसका मतलब यह होगा कि हम पृथ्वीवासी इतने भी खास नहीं है और इस विशाल ब्रह्मांड में जीवन एक आम बात है जो कि किसी भी परिस्थितियों में ब्रह्मांड के किसी भी कोने में पनप सकता है। मंगल ग्रह पर मिले जीवन के पांच सबूत। पहला सबूत 1976 में मंगल ग्रह पर भेजे गए विंकिंग लैंडर्स की तरफ से मिला था। विंकिंग लैंडर्स की मदद से मंगल ग्रह पर तीन अलग अलग बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसमें टू रिजल्ट तो नेगेटिव आया, वहीं एक रिजल्ट पॉजिटिव आया। आपको बता दें कि यह पहली बार था जब मंगल ग्रह के सरफेस पर इस तरह के किसी एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया गया था। दूसरा सबूत पृथ्वी ग्रह पर आसमान से मार्टियन मेटोराइट के रूप में आया था। यह मेटोराइट 27 दिसंबर 1984 में वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका में मिला था। जब इस मेटोराइट को करीबी से अध्ययन किया गया तब वैज्ञानिकों को पता चला कि इस मेटोराइट का निर्माण मंगल ग्रह पर आज से करीब 4 बिलियन साल पहले ही हुआ था और यह करीब 13,000 साल पहले ही पृथ्वी पर क्रैश हुआ था। वैज्ञानिकों को इस मेटोराइट में ऑर्गेनिक लाइफ फॉसिल्स के कुछ अवशेष मिले, जिसे मंगल ग्रह पर जीवन की खोज में एक बड़ा सबूत माना गया। तीसरा सबूत मंगल ग्रह पर वर्तमान समय में मौजूद नासा के क्यूरियोसिटी रोवर से मिला था। मार्स पर सर्दी खत्म होने के दौरान क्यूरियोसिटी से मीथेन इनऑर्गेनिक और जियोथर्मल प्रोसेस की वजह से भी है मंगल ग्रह पर यह मीथेन इमिशन हो सकता है। ऐसे में मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं तलाश रहे वैज्ञानिक इसे ऑर्गेनिक लाइफ से जोड़कर देख रहे हैं। अगर हम मंगल ग्रह पर किए गए अध्ययन और वहां मिले जीवन के संकेतों को आपस में जोड़ दें तो हमें मंगल ग्रह पर किसी प्रकार की जीवन होने की कुल ऐसे पांच संभावनाओं का पता चलता है जो कि काफी रोचक है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार आज से लगभग 3.5 बिलियन साल पहले मंगल ग्रह पर परिस्थितियां लगभग एक समान ही थी। दोनों ही ग्रह लिक्विड वाटर से भरपूर थे, जहां एक स्टेबल एटमॉस्फेयर और इकोसिस्टम मौजूद था। इन परिस्थितियों के चलते हमारे पृथ्वी ग्रह पर सैकड़ों मिलियन सालों में जीवन की शुरुआत हो गई थी। ऐसे में वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इस दौरान मंगल ग्रह पर भी किसी प्रकार का जीवन जरूर पनपा होगा, पर मंगल ग्रह पर जीवन शुरुआत होने के कुछ मिलियन साल बाद ही इसका एटमॉस्फेयर खत्म हो गया, जिसकी वजह से सूर्य से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज अब इसके सीधे सरफेस तक पहुंच रही थी। एटमॉस्फेयर के खत्म होने के साथ ही यहाँ मौजूद लिक्विड वाटर के ओशियन सूख गए और आखिरकार मंगल ग्रह पर जीवन का अंत हो ही गया। ऐसे में अगर मंगल ग्रह पर कभी जीवन मौजूद था तो उसके कुछ न कुछ अवशेष आज भी जीवाश्म के रूप में मंगल ग्रह के सतह के नीचे जरूर मौजूद होंगे। यदि हम मंगल के सरफेस के ड्रिलिंग कर इसका करीबी से अध्ययन कर सके तो हमें मंगल ग्रह पर जीवाश्म के रूप में प्रीहिस्टोरिक लाइफ के सबूत मिल सकते हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल और पृथ्वी का पास्ट भले ही एक जैसा था, पर इसके बावजूद मंगल ग्रह पर कभी वैसी परिस्थितियां नहीं बन पाई जिन परिस्थितियों में हमारे पृथ्वी ग्रह पर जीवन की शुरुआत हुई थी। शुरुआत में मंगल ग्रह पर जितने भी
जियोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस हुए वो सभी इनऑर्गेनिकल ही हुए थे और किसी भी प्रोसेस का संबंध ऑर्गेनिक लाइफ से नहीं था। और फिर आज से लगभग 3 बिलियन साल पहले मार्स का एटमॉस्फेयर खत्म हो गया, जिसकी वजह से इस ग्रह पर लिक्विड फॉर्म में मौजूद पानी सूख गया और मंगल ग्रह आज के समान सूखा और बंजर जमीन हो गया। अगर इस नजरिए से देखे तो मंगल ग्रह पर ऑर्गेनिक लाइफ से रिलेटेड जितने भी पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं उन सभी का संबंध इनऑर्गेनिक और जियोथर्मल प्रोसेस से ही था। ज्यादातर वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर किसी प्रकार के जीवन के नहीं होने की संभावनाएं जताते हैं और जब तक मंगल ग्रह पर प्री हिस्ट्रिक लाइफ या फिर प्रेजेंट लाइफ के कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाते तब तक इसे ही एक डिफॉल्ट हाइपोथेसिस माना जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मंगल ग्रह के सरफेस में आज भी जीवन मौजूद है या मंगल ग्रह पर जीवन कभी था ही नहीं? नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को एक लाइक करें, लोगों तक ज्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।